प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाई। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारा जीवन चिंता युक्त और तनाव युक्त हो गया है। अशांति, अविश्वास, अंधकार, तनाव जैसी चीजों ने मन पर घेरा कर लिया है। परिणाम स्वरूप हमारे मन की शांति कहीं खोती जा रही है। तरह तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया है। प्रेम, आनंद, उत्साह, शांति, ये शब्द मानव जीवन के लिए एक सपना बनकर रह गए हैं। आज हमारे स्टूडियो में है बीके तृप्ति जी, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी कि कैसे हम इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हमें बताइए कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में रहने के बाद भी हम कैसे शांति पा सकें? सर्कस में हमने हाथी को तो देखा ही होगा। एलिफेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, और यही एलिफेंट सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाता है। तो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली जानवर, अगर इसे हम ह्यूमन बींग्स कंट्रोल कर पाते हैं, तो हम यह कैसे कर पाते हैं? अपने माइंड पावर के आधार पर। माइंड पावर या थॉट पावर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है हम ह्यूमन बींग्स के पास में। और इसी हाथी को सर्कस में जब बांधते हैं, तो किस तरह से बांधते हैं इस शक्तिशाली हाथी को? हाथी को बांधा जाता है एक पतली सी लोहे की जंजीर से, जिसे उसे पैरों में डाला जाता है। तो अब सोचने की बात यह है कि इतना शक्तिशाली हाथी, अ पावरफुल एनिमल, क्या छोटी सी लोहे की जंजीर को तोड़कर भाग नहीं सकता? पर वह ऐसा नहीं करता। वह उस पतली सी लोहे की जंजीर से बंधा रहता है। वो किस लिए? उसको तो तोड़ के भाग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाथी तो बहुत शक्तिशाली होता है। आसानी से भाग सकता है, पर वह इसलिए नहीं भागता क्योंकि जब वह हाथी छोटा सा होता है, एक बेबी एलिफेंट, जब उसे जंगल से पकड़ कर लाया जाता है, तब क्या करते हैं? उसे बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के रखा जाता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे इतनी ही मोटी जंजीरों में जकड़ कर बांध के रखा जाता है, और जब हाथी उसमें से निकलने की कोशिश करता है, वह बेबी एलिफेंट, वह छोटा सा हाथी, तो क्या होता है? उसे घात होता है, उसका ब्लड निकलने लगता है, उसे बहुत दर्द होता है, और इतनी कोशिशों के बाद भी वह बेबी एलिफेंट इन मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है। और फाइनली क्या होता है, एक दिन वह बेबी एलिफेंट लड़ते लड़ते गिव अप कर देता है। वह छोड़ देता है इन जंजीरों को तोड़ने का प्रयास, और उसके बाद क्या होता है, वह फिर शांत बैठ जाता है। तब से ही उसकी उन मोटी मोटी जंजीरों को निकाला जाता है और उसके पैर में एक पतली सी लोहे की जंजीर डाल दी जाती है, और तब से ही वह छोटा हाथी बड़ा भी हो जाता है और शक्तिशाली भी हो जाता है, पर वह उस पतली सी जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बात सेट है कि मैं जंजीरों को तोड़ नहीं सकता, और अगर तोड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मुझे घात होगा, मेरे शरीर को चोट पहुंचेगी, मुझे दर्द होगा। तो शक्तिशाली होने के बाद भी वह उसी में बंधा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से बचपन से ही उसका माइंड सेट हो जाता है और किसी भी बात को वह एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार हम ह्यूमन बीइंग्स का,
हम सबका माइंड भी बहुत पावरफुल है। हम बहुत शक्तिशाली हैं अपने मन से। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, पर क्या होता है, हमें अपने विचारों की, हमें अपने मन की शक्ति का अनुमान नहीं है। और बचपन से हम जो सोचते हैं वही बातें हमारे मन में घर कर लेती हैं। हम नई बातों को प्रयोग भी नहीं करते हैं।